हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 368 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द रिजॉर्ट को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि चार दोस्त हवाई के एक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अबैंडन्ड रिजॉर्ट में एक हॉन्टिंग कहानी को इन्वेस्टिगेट करना था। लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेते हैं और कुछ ही देर में उनके साथ वो कुछ होने वाला है जो उनको जिंदगी और मौत के खेल में डाल देगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है दो सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए, जो एक रिजॉर्ट की निगरानी के लिए वहां चेक कर रहे होते हैं कि एकदम उन्हें वहां कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद वहां एकदम एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। और इनमें से एक गार्ड को कोई एंटिटी अंधेरे में घसीट कर ले जाती है और दूसरे गार्ड की फ्लैशलाइट भी अपने आप ही बंद हो जाती है, और हो सकता है वो भी इस चीज का शिकार हो गया हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लेक्स नाम की लड़की को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसके साथ एक डिटेक्टिव बैठा होता है, जो इससे उसके बाकी के दोस्तों के बारे में पूछ रहा होता है। वो डिटेक्टिव लेक्स से पूछता है कि आखिर उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, जिसके बाद लेक्स उस इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू करती है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम लेक्स के तीन दोस्तों को देखते हैं जो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। उसके दोस्तों में है सैम, क्रिस और ब्री। दोस्तों, लेक्स एक राइटर है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में काफी ज्यादा लिखती रहती है। इसीलिए उसके दोस्त उसकी बर्थडे पर एक सरप्राइज ट्रिप के लिए प्लान कर चुके थे और ये ट्रिप थी हवाई के एक आइलैंड पर एक अबैंडन्ड रिजॉर्ट की। लेक्स उन्हें YouTube पर वायरल एक वीडियो दिखाती है जिसमें उस अबैंडन्ड रिजॉर्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेड किया गया था। इस वीडियो में उस रिजॉर्ट की खौफनाक स्टोरी बताई गई थी और एक हाफ फेस गर्ल के बारे में काफी जिक्र किया जा रहा था। वीडियो में बताया जा रहा था कि ये हाफ फेस गर्ल इस रिजॉर्ट को हॉन्ट करती रहती है और जो भी आज तक इस रिजॉर्ट में गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया। इस हाफ फेस गर्ल की कहानी कुछ यूं है कि इस लड़की को इस रिजॉर्ट के किसी टूरिस्ट ने रिजॉर्ट के पास ही मारने की कोशिश करी थी और वो लड़की उस जंगल में तड़प तड़प कर मर गई और उसकी लाश को जंगली जानवर खा गए। उस टूरिस्ट को इस मर्डर पर सजा नहीं दी गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से आज भी उस लड़की का भूत इस रिजॉर्ट में भटकता रहता है और उसकी वजह से ये रिजॉर्ट हॉन्टेड हो गया था और अब ये रिजॉर्ट उस वाकये के 2 साल बाद से ही बंद पड़ा है। लेकिन दोस्तों, लेक्स इस कहानी को एक अर्बन लेजेंड कंसिडर करती है और वो इस कहानी को हल्के में ले लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो हवाई पहुंचते हैं, जहां पर वो आधा रास्ता रेंट की कार से कवर करते हैं और आधा रास्ता एक हेलीकॉप्टर की मदद से कवर करके उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। जाते हुए ये लोग उस हेलीकॉप्टर के पायलट से उस रिजॉर्ट और हाफ फेस गर्ल के बारे में पूछते हैं, लेकिन पायलट का कहना ये था कि सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। वो लोग इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और ये जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत होती है। पायलट उन्हें बताता है कि वो बस उन्हें यहाँ तक छोड़ेगा और वापसी के लिए शाम 7 बजे यहाँ से एक बोट जाएगी, तो वही एक रास्ता होगा उनका इस आइलैंड से निकलने का, तो वो लोग देर ना करें। फिर पायलट उन्हें आइलैंड के एज पर छोड़ देता है और वहां से लौट जाता है और आगे का रास्ता उन्हें पैदल चलकर ही पूरा करना होता है। रास्ते में वो एक मैप देखते हैं जिस पर रिजॉर्ट तक जाने का रास्ता होता है और साथ ही साथ एक वाटरफॉल की लोकेशन भी दी होती है। लेक्स के दोस्त इस वाटरफॉल पर जाने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं, लेकिन लेक्स का कहना होता है कि उन्हें शॉर्टकट लेते हुए रिजॉर्ट तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई भी लेक्स की बात नहीं मानता और वो सब वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। उस वाटरफॉल पर पहुंचने के बाद वो लोग थोड़ी देर वहां एंजॉय करते हैं और फिर वो रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए सैम बताता है कि वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानी है ताकि लोगों के पास बताने के लिए कुछ हो। लेक्स तक ये बताती है कि उसने अपनी नानी का गोस्ट भी देखा था,
एक दिन बाद जब वो मर गई थी, तो इस पर भी सैम मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो लोग रिजॉर्ट पर पहुंचने के बाद इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने लगते हैं। सैम यहाँ काफी शरारतें करता है और यहाँ की विंडोज के ग्लास तोड़ने लगता है। लेक्स, क्रिस और ब्री इस रिजॉर्ट के रूम नंबर 306 में जाने का बोलते हैं, जो कि इस रिजॉर्ट का सबसे हॉन्टेड रूम होता है। जबकि सैम उनके साथ जाने की बजाय नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर वहां एक्सप्लोर करने लगता है। बाकी सब रूम नंबर 306 में आकर वहां फोटोज लेने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि आसमान पर परिंदों का झुंड उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो चारों हैरान हो जाते हैं। अब अंधेरा होता जा रहा था, इसीलिए क्रिस और ब्री इस रिजॉर्ट को छोड़कर वहां से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में बोट आ जाएगी जिस पर उन्हें वापस जाना है। लेकिन दोस्तों, लेक्स यहां कुछ और देर रुकना चाहती थी। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहां लेक्स इस इंसिडेंट के बारे में डिटेक्टिव को बता रही होती है कि डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसने उसका मोबाइल चेक किया है और उसे उसके मोबाइल में उस रिजॉर्ट की एक भी पिक्चर नहीं मिली। फिर हम वापस फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जहां क्रिस ग्रुप की बात नहीं मानता और फेंस में वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर लेक्स कहती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है, क्योंकि क्रिस उसका बैग उसकी पिक्चर्स लेते हुए उसी रूम नंबर 306 में भूल आया था। लेक्स उसका बैग वापस लाने का कहती है, लेकिन क्रिस कहता है कि उन्हें इस बैग को छोड़कर वापस निकलना चाहिए, क्योंकि रात काफी हो रही थी। लेक्स कहती है कि उसके बैग में उसकी काफी कीमती चीजें हैं, जिसमें उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल और उसका सारा डेटा होता है, और वो इस बैग को वहां छोड़कर जाना नहीं चाहती। जिसके बाद वो सभी रिजॉर्ट में वापस भागते हैं ताकि वो लेक्स का बैग वापस ला सके। रूम नंबर 306 में पहुंचकर उन्हें वहां उसका बैग नहीं मिलता, बल्कि वो बैग उन्हें एक ऐसे रूम से मिलता है जिस रूम में वो गए ही नहीं थे। लेक्स का बैग रूम के एक कॉर्नर में पड़ा होता है, जिसके साथ ही एक कोयोटे की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। लेकिन क्रिस का कहना था कि हवाई में कोयोटीज रहते ही नहीं हैं, तो फिर ये कोयोटी कहां से आ गया, और लेक्स वहां से जाने से पहले उस कोयोटी की पिक्चर ले लेती है। अब इसी रिजॉर्ट में दो सिक्योरिटी गार्ड्स निगरानी के लिए आते हैं, और ये मूवी का वही वाला स्टार्ट सीन है जिसमें कोई एंटिटी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालती है। अब लेक्स और उसके दोस्तों को उन दोनों गार्ड्स की चीखने की आवाजें आती हैं और वो सभी पैनिक में आकर वहां से भागने लगते हैं। वो लॉक हुए हुए ग्लास डोर को तोड़कर बाहर जाते हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी खड़ी होती है। सैम का कहना था कि उन्हें इस गाड़ी को चलाकर यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्रिस का कहना था कि नहीं, उन्हें वापस उस रिजॉर्ट में जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। अब इसी बहस के दौरान ब्री गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। ब्री और बाकी लोग गाड़ी को अनलॉक करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार जाता है। जिसके बाद गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होती है और रिजॉर्ट में घुस जाती है, और वो रिजॉर्ट में बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाती है। क्रिस नीचे जाकर देखता है, लेकिन ब्री मर चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कहता है कि उसकी स्टोरी पर यकीन करना मुश्किल है, जिस पर लेक्स कहती है कि उसने तो अभी बताना शुरू किया है। फिर मूवी वापस उसी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर तीनों दोस्त ब्री के मरने पर काफी अफसरदा थे और उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उस हादसे के थोड़ी देर बाद उन्हें करीब ही से एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है, और ये तीनों एक पिलर के पीछे से एक अजीब से फिगर को शेप में बदलते हुए देखते हैं। उनके लिए एक बहुत ही खौफनाक नजारा था। वो वहां से भागकर दूसरे रास्ते से वहां निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा लॉक था। फिर वो भागकर रिजॉर्ट के बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंज एंटिटी वहां भी पहुंच जाती है और वो तीनों वापस भागने लगते हैं। लेक्स उन्हें बताती है कि ये वही हाफ फेस गर्ल है जिसे वो अर्बन लेजेंड समझ रहे थे। अब सैम इन दोनों से काफी पीछे था, जिस दौरान वो सैम को घसीटकर ले जाती है। लेक्स और क्रिस सैम को ढूंढने के लिए वापस मुड़ते हैं। उन्हें सैम दिखता है, जो कि एक कॉर्नर की तरफ मुंह किए खड़ा होता है। सैम को बुलाने पर वो एकदम पलटता है और हम देखते हैं कि सैम पोजेस्ड हो चुका है। सैम क्रिस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेक्स के हाथ एक सीजर लगती है, जिससे वो सैम की गर्दन में स्टैब कर देती है। जिस पर पोजेस्ड हुआ सैम लेक्स से पूछने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और तभी दो हाथ सैम के चेहरे से उसकी सारी स्किन नोच लेते हैं, और ये हाथ उसी हाफ फेस गर्ल के थे।
सैम जो कि अब भी पोजेस था क्रिस और लेक्स का पीछा करने लगता है। क्रिस सैम से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सैम तो पोजेस था और एक तरह से वो मर भी चुका था लेक्स के स्टैब करने पर, और वो क्रिस की बात तक नहीं सुनता और वो उस पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है और अपने पांव से उसके स्कल को कुचल देता है और क्रिस भी मारा जाता है। अब हम सैम के पीछे उस हाफ फेस गर्ल को भी देखते हैं जो उसे पोजेस किए हुए थी। लेक्स भागकर एलिवेटर की तरफ बढ़ती है और उससे वो ऊपर चली जाती है। वहां उसका सामना ब्री की डेड बॉडी से होता है जो कि पोजेस थी, और वो लेक्स को हैप्पी बर्थडे विश करती है और इसके बाद वो अपने आप को आग लगा देती है, जिसके बाद लेक्स के इर्द गिर्द सब सफेद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेक्स डिटेक्टिव से कहती है कि उसे इतना ही याद है और उसके बाद वो खुद को इस हॉस्पिटल में देखती है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डिटेक्टिव किसी से फोन पर बात करने लग जाता है और लेक्स अपने फोन से डिटेक्टिव की पिक्चर लेती है और देखती है कि उसकी स्किन पर भी बिल्कुल वैसे ही मार्क्स थे जैसे सैम की स्किन पर थे जब वो पोजेस था। और अचानक डिटेक्टिव उसकी तरफ चिल्लाता है जिसका आधा चेहरा बिगड़ा हुआ था और लेक्स को मारने के लिए बढ़ता है। दोस्तों, ये हॉस्पिटल दरअसल आंखों का धोखा था और वो हाफ फेस गर्ल ही डिटेक्टिव के रूप में लेक्स से सवाल कर रही थी। लेक्स वहां से भागती है और वार्ड के पर्दे हटाकर देखती है कि वो अभी भी उसी रिजॉर्ट की बेसमेंट में है। वो वापस हाफ फेस गर्ल की तरफ देखती है और चिल्लाने लगती है और लेक्स के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी अब एक अनडेड एंटिटी बन चुकी है और वो कभी इस रिजॉर्ट से लौटी ही नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।